हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिना। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड जो इस चैनल पर न्यू है, न्यू व्यूअर्स है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज हिना एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज हाउ टू गेट एडमिशन इन एम्स फॉर बीएससी नर्सिंग। ओके, सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, एम्स में क्या क्या इन्फो होनी चाहिए हमारे पास, कि उसमें आपके फॉर्म कब निकल रहे हैं, ठीक है, आपको एग्ज़ाम के बेस पे हो रहा है या मेरिट बेस पे हो रहा है। एग्ज़ाम के बेस पे हो रहा है तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और उसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे। ओके, और तो ये सारी चीज़ें, कौन एलिजिबल है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यही नहीं पता होगा कि एलिजिबल कौन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं एम्स या नहीं। तो चलो ये सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। तो सबसे पहले, Who are eligible for AIIMS BSc Nursing? ठीक है, so any student, any PCB student जिसके पास physics, chemistry, biology होनी चाहिए plus English होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी है, हिंदी medium है, English medium है, no issue, बस PCB student होने चाहिए और उनके aggregate marks। ये वाला बहुत डाउट था बच्चों के पास कि मैम physics, chemistry, bio इनके सबको मिला के जो है हमें 50% marks है, अलग अलग 50% मार्क्स चाहिए या फिर मिला के होगा। तो आपके जो चार सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन चारों के मिला के अगर आपके 50% बन रहे हैं जनरल कैटेगरी, ठीक है, और जनरल कैटेगरी, तो आप लोग एलिजिबल हैं। एंड जो अदर कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, अगर उनके 45% मार्क्स बन रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं। समझ आ गया? मैथ्स वाले जो नॉन मेडिकल हैं वो एलिजिबल नहीं है, बट स्टिल जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। सोच रहे हो कैसे? तो इसका, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम जो एडमिशन है वो हमारे कैसे होगा। एडमिशन हमारा एक एग्जाम के बेस पे होगा, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, जिसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, विच इज 8 जून। ओके, सो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इसमें तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल रहता है। 30 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स का यहाँ पर हमारी जनरल नॉलेज प्लस रीजनिंग आती है। ओके, सो ये जो हमारा एग्जाम रहेगा वो 100 मार्क्स का रहता है। 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन सही करने पे हमें 1 मार्क मिलेगा, एंड अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, ठीक है, इतना जो मार्क्स है हमारा एक्स्ट्रा कट होगा। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए हमारे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं और इवन हम फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी वीडियो आपको देखनी हो तो आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में दिख रहा होगा, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। और तो हमने देख लिया कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, कौन एलिजिबल है और हम तैयारी कैसे करें, एग्जाम का पैटर्न क्या है। नाउ फॉर्म कब निकलेंगे इसके, ठीक है, फॉर्म निकलते हैं हमारे फेब में निकलते हैं, जिसकी इन्फो आपको पूरी की पूरी यहीं पर मिल जाएगी। और अभी फेब स्टार्ट नहीं हुआ है, जैन आने वाला है, मतलब अब से इन्फो आना शुरू हो जाएगी क्योंकि फेब्रुअरी आने वाला है। तो फेब के 2nd और 3rd वीक से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसका एम्स अपना रजिस्ट्रेशन को जिस तरीके से कराता है वो 2 स्टेप में कराता है। पहले एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आ जाता है। फिर एक होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन, जब हमारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आता है। तो ये सब भी कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते सब आपको बता दिया जाएगा टाइम आने पर, ठीक है। उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, जैसे कि जब ही वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है एम से बीएससी नर्सिंग करना, बट थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है और कि अच्छी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो कि हाँ वो जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से हम एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस तो सही कर सकें, ठीक है। क्योंकि अब जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो बहुत इस बार जो थे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, तो इसलिए आपको मेहनत अपनी बहुत अच्छी करनी है। जिसने अभी भी शुरू नहीं करा तो वो अभी शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है और जो हमारे पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश है, वो एलिजिबल हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट है,
कोई भी डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई आएगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा. ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.